हेलो दोस्तों, एक छोटा सा जुगाड़ करके आपने भाई ने तेल के खाली जार में से एक सैनिटाइजर करने वाला पंप, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि इस तरीके के बैटरी से चलने वाले सैनिटाइजर पंप बड़ी बड़ी कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसान अपनी खेती में दवाई का छिड़काव करने के लिए इस पंप का इस्तेमाल करता है। सेम यही प्रोडक्ट बहुत ही कम लागत में मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। ये बैटरी से चलने वाला केमिकल कोटिंग का पंप मैंने बना डाला है, मैंने खुद बनाया। तो मैंने कैसे बनाया ये जानना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है कार किंग हैकर्स, जहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें कि पंप मैंने कैसे बनाया। आप देख सकते हो ये बैटरी से चल रहा है और ये मैंने मेरे घर में पड़ी हुई चीज़ों में से ही बनाया है, सिर्फ कुछ चीज़ें ही मैंने खरीदी है। हेलो दोस्तों, मैं भरत मोचिंद्रा, आपका छोटा भाई। आज हम जानेंगे केमिकल कोटिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें। तो क्लेडिंग ब्रिक्स हो या एक्सपोज ब्रिक्स हो, किसी भी वर्क के बाद में इसको हमें केमिकल कोटिंग तो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि वेदर इफेक्ट की वजह से ब्रिक्स खराब ना हो जाए, इसमें एंटी बैक्टीरियल फंगस ना हो, वाइट ना हो जाए, काली ना पड़ जाए और पानी रिप्लाइन करे। तो हम यहाँ पर केमिकल कोटिंग करने वाले हैं, इसके बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे, इंस्टॉलेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और केमिकल कोटिंग के बाद में वाटर टेस्ट तो बनता ही है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो भी हम इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। तो आप देख सकते हो मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो यहाँ पर दिखा रहा हूँ और वीडियो में बहुत कुछ तो बाद में देखते ही है। तो आप देख सकते हो पानी की पाइप से भरपूर मात्रा में पानी डालने के बाद भी ब्रिक्स को कुछ नहीं हो रहा है, ब्रिक्स पानी नहीं ले रही है। वरना आप जानते ही हो कि ब्रिक्स तो पानी की प्यासी होती है, किसी भी ब्रिक्स पर कितना भी पानी डाला जाए वो तुरंत पानी पी लेती है, लेकिन ये केमिकल कोटिंग के बाद बिल्कुल ही पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर आप हमसे ब्रिक्स के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहते हो या कोई काम करवाना चाहते हो तो कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ दो, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, हम आपका कांटेक्ट कर लेंगे। आपको अगर ब्रिक इंस्टॉलेशन हमसे करवानी है तो वीडियो में कमेंट करें। ब्रिक्स के बारे में कोई भी काम हो, इंस्टॉलेशन हो, डीप ग्राउटिंग हो, सफाई हो या केमिकल कोटिंग हो, हम सारा काम प्रोवाइड करते हैं पूरे इंडिया में। और आपने अभी तक हमारे दूसरे वीडियो नहीं दिखे हैं फुल डिटेल्स वाले, तो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आई बटन में एक दो वीडियो का दे दूंगा। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, ब्रिक्स का प्लेलिस्ट चेक करें, मेरे दो प्लेलिस्ट है ब्रिक्स पर। ब्रिक्स इंस्टॉल हो जाने के बाद में आता है इसका डीप ग्राउटिंग वाला ग्राउटिंग। ग्राउटिंग तीन तरीके के होते हैं, डीप ग्राउटिंग सबसे ज़्यादा चलता है। तो आप देख सकते हो जो हमारी दूध की एक लीटर की ठेली आती है 500 ml वाली, नहीं वो बिल्कुल नहीं चलती है। तो एक लीटर वाली जो बैग आती है दूध की वो सबसे बढ़िया है सभी चीज़ से, हमारे पास गन भी है,
लेकिन उसमें भी इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको डीप ग्राउटिंग करना है तो इसी तरीके से करो। इसके अंदर टाइल्स एडेसिव भरा जाता है, अगर रेती सीमेंट के मसाले में ये बैग इस्तेमाल करना चाहोगे तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये डीप ग्राउटिंग के लिए टाइल्स एडेसिव का ही इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हो जाएगा बैग से। ब्रिक्स जॉइंट इंस्टॉलेशन के बाद में एक दिन सूखने देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सूखे वृक्ष की घसाई बड़ी आसानी से नहीं होगी। दूसरा, इसका जो डस्टिंग रहेगा वो सारा जॉइंट में ऐसे चिपक जाता है कि बिना ब्रश को वो साफ ही नहीं होता है, ब्लोअर या एयर ब्लोअर से सफाई नहीं होगी, तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाती है। तो जिस दिन जॉइंट ग्राउटिंग करते हैं उस दिन बिल्कुल ही सफाई का काम नहीं होता है, उसको एक दिन सूखने देना है, दूसरे दिन ही इसकी सफाई होती है। ये बात ख्याल रहे मेरे दोस्तों। तो अब आती है केमिकल कोटिंग की बारी, और ये जो केमिकल है ये हमारा सीक्रेट केमिकल है। तो दोस्तों प्लीज़ मेहरबानी करके इस केमिकल के बारे में कुछ मत पूछना, अगर आपको केमिकल चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, और आप कोटिंग करवाना चाहते हो तो हम खुद कर देंगे। तो ये हमारा सीक्रेट केमिकल है। केमिकल लगाने से पहले एयर ब्लोअर ब्रश या कापड़ के टुकड़े से किसी भी तरीके से ब्रिक्स में जो डस्टिंग है उसे अच्छे से सफ़ा कर लेना है, उसके बाद में केमिकल कोटिंग होती है। बिना सफाई के केमिकल कोटिंग नहीं होती है, और केमिकल हमारा सीक्रेट है, ये याद रहे। जैसे कि वीडियो में मैंने आगे बताया कि ये जो बैटरी से चलने वाला पंप है ये मैंने खुद बनाया है, आप बनाना चाहते हो तो कार किंग हैकर्स हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर देख सकते हो। तो आप इस तरीके से किसी भी स्प्रे वाटर पंप से, जिस बॉटल से एयर प्रेशर होके आप कर सकते हो, छोटे वाला भी मिलता है, तो वो सारे बॉटल से आप इस तरीके से केमिकल कोटिंग कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके का पंप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, हम इस वीडियो में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन में रहती है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें केमिकल कोटिंग करना होता है, और केमिकल कोटिंग के बाद में एक दिन सूखने देना है, उसके बाद में वाटर रिप्लेंट टेस्ट कर सकते हो आप। तो आप देख सकते हो हम इसका अच्छे से केमिकल कोटिंग कर रहा है। तो इस तरीके के किसी भी स्प्रे बॉटल पंप से बड़ी आसानी से आप अपनी ब्रिक्स को केमिकल कोटिंग कर सकते हो। अब आती है वाटर टेस्ट की बारी। केमिकल कोटिंग के बाद में ब्रिक्स पर हम पानी की पाइप लेके बहुत सारा पानी छिड़काव कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ब्रिक्स बिल्कुल ही पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वरना क्या होता, केमिकल कोटिंग नहीं किया होता तो अभी तक ब्रिक्स ने पानी पीना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो पानी की हर एक बूंद जैसे ही पानी टच करता है बिल्कुल ज़मीन पर गिर रही है, और जो बूंदे नहीं गिरी है वो ब्रिक्स पर बूंदे होके चिपकी हुई रहेगी। तो वीडियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रिक्स पर पानी की छोटी छोटी बूंदे हो चुकी है, ज़्यादा पानी जब हमने डाला तो वो ब्रिक्स को टच करके बिल्कुल ज़मीन पर गिर रहा था, ब्रिक्स बिल्कुल ही पानी पी नहीं रही है, वरना आप तो जानते ही होंगे ब्रिक्स पानी की प्यासी होती है, इस तरीके से बूंदे कभी बनती ही नहीं है ब्रिक्स पर। आप जितना भी पानी डालो ब्रिक्स तुरंत पानी चूस लेती है,
वो आपको अच्छे से मालूम होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी वृक्ष पर पानी की छोटी छोटी बूंदें अभी मौजूद है। इसका मतलब कि हमारा केमिकल कोटिंग 100% सक्सेस है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप वृक्ष का काम करते हो या अपने मकान का काम करवाते हो, तो इस तरीके से सफाई के बाद में केमिकल कोटिंग ज़रूर करवाएं और केमिकल कोटिंग के साथ ही काम करवाएं, ताकि आपकी जो वृक्ष है वो लंबे टाइम तक जैसी है वैसी की वैसी सही सलामत बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और मेरे भाई, आपके छोटे भाई को आपके साथ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है यार, जल्दी से करो। और लाइक कमेंट के बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा, वो तो आपको करना ही है, दिल खोल के लाइक कमेंट करो, शेयर करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने मोबाइल है सभी में करवाओ यार।